नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या एक बड़ी उद्योगपति बनेंगे आप, क्या एक बड़े व्यवसायी बनेंगे और जीवन में एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत बढ़िया रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा हमारे जीने के अंदाज के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा, हमारे मन के विचारों में हम किसी बात को कितने गहरे विचारों में ढूंढते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हमारे प्रेम के बारे में, हमारा प्रेम करने की कला क्या है उसके बारे में बताती है। सबसे पहले जब हम बिजनेस की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, अपने बुध की फिंगर को देखते हैं। बुध की फिंगर बड़ी हो और सीधी दिशा में जाए और सन के पहले पोर से ऊपर जाने, अगर ऊपर ये जाती है तो आपके बोलने की कला को मास्टरमाइंड बनाती है, एक्टिवेट करती है आपको। और यहां पर बुध के पर्वत पे, ये बुध का पर्वत समानता उठा होना चाहिए मीडियम का, और इसके ऊपर एक स्टार बन जाए यहां पे। ऐसे लोग व्यवसाय के क्षेत्र में, काम करने की कला के क्षेत्र में अग्रसर होते हैं। ये दिमाग से ज्यादा काम करने वाले होते हैं, इनके अंदर जो कला होती है निपुण होती है, और ये बोलने की एक ये जो रेखाएं हैं प्रबल बना देती हैं इनको, व्यापार करने की कुशलता होती है इनके अंदर। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि बड़े व्यापारी के लोगों के हाथ में वो कौन सी रेखा होती है जो इतने उनको भाग्यशाली बनाती है और इतने बिजनेस करने की कला उनके अंदर आती है। तो ये बुध का जो पर्वत है, और बुध का ही पर्वत एक बिजनेस का कला मानी जाती है। और बड़े लोगों के हाथ में या व्यवसायी के हाथ में अगर आपने देखा है, मैंने तो अपने रिसर्च में देखा और पाया भी है कि जो भी फिश की साइन होती है हमेशा वो तरक्की की तरफ लेके जाती है। और मैंने अभी पीछे एक अरबपति का हाथ देखा था, उसमें पाया था उनके अंदर कार्य करने की कुशलता बहुत महत्वपूर्ण थी और उनका दिमाग जो है काफी प्रॉपर अच्छे तरीके से चलता था। और उनके हाथ में जो एक शुभ साइन थी जो इतनी अथॉरिटी के ऊपर लेके गई थी, तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ी फिश साइन थी और वो सूर्य के पर्वत के ऊपर थी। सूर्य के पर्वत के ऊपर इतनी बड़ी फिश साइन, उनको बहुत बड़े पैसे का बेनिफिट दिया था। और अचानक से ये सूर्य के पर्वत के ऊपर बड़ी फिश साइन अचानक से नेम फेम देती है, अचानक से मान सम्मान दिलाती है और पैसे भी दिलाती है। और इसके साथ ये भाग रेखा थी प्रबल बिजनेस करने की कला जिसको हम कहते हैं। और हाथ की जो उंगलियां हैं सीधी हो और ये पर्वतों का जो आकार हो मीडियम का हो। और इसी के साथ मैंने उनके हाथों में पाया था अग्रसर, जिसको हम कहते हैं कि जीवन में तरक्की की रेखाएं, ये जीवन रेखा से ही निकलती है। ये जीवन रेखा से निकली हुई भाग रेखाएं जीवन के स्तर को गिरने नहीं देती, हमेशा समांतर बनाई हुई होती है। और बुध की एक रेखा प्रबल रेखा हो, एक व्यापार करने की कला को मजबूत करती हैं। और ये अगर रेखाएं हो तो प्रॉपर हो, नहीं तो अगर ये रेखाएं कटी हैं तो बिजनेस में आप सफल नहीं हो सकते, जिसको कि कहते हैं हम ये स्वास्थ्य की रेखा भी हम इसको कहते हैं। और ये उद्योगपति बनाने में काफी सक्षम होती हैं, क्योंकि उसके साथ इसमें तीन पर्वतों का होना जरूरी है, बुध का पर्वत, सूर्य का पर्वत, और यहां पे एक फिश की साइन बनना जरूरी है।
और इसी के साथ ये अंगूठा जो है ना, ये सेकंड जो पार्ट होता है, ये थोड़ा सा मांसल लिए हुए मोटा हो, ऐसे लोग अपने दमखम को रखने वाले होते हैं और इनकी जो सोच होती है मजबूत होती है, स्टेबल पे होते, अपने झुकते नहीं है, लोगों को झुकाना जानते हैं, कहते ना अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। और ये शुक्र का जो पर्वत है ये मजबूत हो, शुक्र पर्वत मजबूत हो। और जीवन में अगर आपने देखा है ऐसे लोग थोड़े से धार्मिक नेचर के भी होते हैं, जितने भी आपने ऐसे लोगों को आपने देखा होगा बड़े व्यापारी के हाथों में, ये रेखाएं समानता, ये जो माइंड लाइन हमारी चलती है, ये कहीं ना कहीं चंद्रमा के पर्वत के पास आती हुई दिखती है। ऐसे लोग जो जीवन में आध्यात्मिक का ज्ञान भी रखते हैं, और ये रेखाएं जो होती है ना, ये रेखाएं, इनको पूर्वानुमान लग जाता, आभास भी हो जाता है। और अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये लोग काफी भक्ति का भी लेवल अपनाते हैं और जीवन में होने वाले हर चीज का आभास लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।